हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पद्मिनी फ्रॉम पद्मिनी किड्स चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप सफ़ेद हुए बालों को काला करना चाहते हैं, झड़ते हुए बालों को रोकना चाहते हैं और उड़े हुए बाल को फिर से उगाना चाहते हैं, और अगर बढ़ना रुक गई है बालों की, तो अगर बालों को रीग्रोथ कराना चाहते हैं और ग्रेइंग हेयर को ब्लैक बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आज मैं लेके आई हूँ वर्ल्ड्स बेस्ट हेयर रेमेडी, जो कि बहुत ही ईजी है, बिल्कुल नेचुरल है और 100% नहीं 200% काम करती है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है जो कि आपके बालों को सिल्की बनाएगी, शाइनियर बनाएगी, हेल्दी बनाएगी और डैंड्रफ केयर करेगी, और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और ग्रे हो रहे हैं तो उसे भी कम करेगी। सो सिल्की और शाइनियर हेल्दियर बालों के लिए आपको चाहिए यहाँ पर एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत ही इफ़ेक्टिव है हमारे बालों को सिल्की और शाइनियर बनाने के लिए, साथ ही हेल्दी बनाने के लिए, स्काल्प को हील करने के लिए। सो फ्रेंड्स, बहुत ही कारगर नुस्खा है एलोवेरा जेल। तो इसमें यहाँ पर आपको लेना है एकदम फ्रेश एलोवेरा जेल जो ऑर्गेनिक होती है, उस लीव्स को और उसके जेल को जो हमें चाहिए होती है बालों को हेल्दी बनाने के लिए। फ्रेंड्स, इसमें होते हैं बहुत सारे विटामिन्स और प्रोटीन्स। सो एलोवेरा जेल स्ट्रेंथन देती है बालों को। एलोवेरा में होती है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और मिनरल्स जो कि हेल्प करती है बालों को स्ट्रेंथ, बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, साथ ही कंट्रोल करती है ग्रेजी हेयर को। एलोवेरा में होती है एक एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन करती है फैट्स को। सो ये बालों की जो एक्स्ट्रा ऑयल होती है सीबम, उसे कंट्रोल करती है। और अभी चल रही है रेनी सीजन, और रेनी सीजन में अगर आप एलोवेरा जेल अपने बालों में अप्लाई करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके बालों को सिल्की बनाएगी, शाइनियर बनाएगी, बिल्कुल भी ग्रेजी होने नहीं देगी। साथ ही ये इजी स्काल्प को हेल्प करती है, हील करती है, डैमेज स्काल्प को हील करती है, साथ ही प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज डैमेज से, और बालों को हेल्दी बनाने के साथ साथ बालों की ग्रोथ बढ़ाती है, रीग्रोथ बढ़ाती है। सो आपको क्या करना है, लेना है फ्रेश एलोवेरा जेल जो लीव्स होते हैं उसकी एलोवेरा जेल, और उसे कट कर लेना है, उसे पत्ते के साथ कट कर लेना है और उसे मिक्सी में पीस लेना है, और आप चाहें तो उसे हाथों में भी पेस्ट बना सकते हैं, और बस थोड़ा सा ही पानी उसमें ऐड करना है क्योंकि ये ऑलरेडी जेली टाइप है तो पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और उसे अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और फ्रेंड्स, ये बन गई है हमारी एलोवेरा जेल पेस्ट, और उसमें ऐड करना है, अगर आपके पास प्योर ऑयल है ऑलिव ऑयल तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल, उसमें प्योर नारियल तेल ऐड कर सकते हैं। सिर्फ एलोवेरा जेल को मत लगाइए, नारियल तेल के साथ लगाइए अगर आपके बाल धुले हुए हैं। सो फ्रेंड्स, उसे जब भी आप नहाने जा रहे हैं उसे अप्लाई कर लें, मतलब एक ही घंटा के लिए आप अप्लाई कर लें, और आप उसके बाद बालों को कोई भी अच्छी वाली शैम्पू से बालों को धो सकते हैं। इससे अगर कंटिन्यूसली वीकली 3 to 4 times आप अप्लाई करेंगे अपने बालों में तो डेफिनेटली ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देगी। अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ही कम ऐसे हो रहे हैं, मैंने कल ही देखा था एक लड़का है 6th standard की, उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, मतलब सोचो कितनी कम उम्र में बाल आजकल सफ़ेद हो रहे हैं केमिकल की वजह से। और अगर आपके बालों में केमिकल लोचा हो गया है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इस एलोवेरा जेल को ज़रूर लगाइए जो कि बहुत सारी केमिकल को स्काल्प से हील करेगी और आपके बालों को धीरे धीरे सही करेगी, और अच्छे से अपने बालों को ड्राई कर ले। उसके बाद आप चाहें तो ऑयल मसाज कर सकते हैं या फिर बालों को स्टाइलिश बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बेहतरीन है, और एलोवेरा जेल सभी को पता है बालों के लिए कितनी बेनिफिशियल है। सिर्फ एलोवेरा जेल ही आपके बालों को मतलब सही रख सकते हैं, केमिकल की जो प्रॉब्लम है उसे सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो, आई होप कि आपको ये अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।